आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्ति बुद्ध्यम समुबंधु कृत्वा यमने अवसीदति। अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने पर व्यक्ति को कभी दुखी नहीं होना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक राजा दूसरे राजा के यहाँ अतिथि थे। दूसरे राजा ने मेहमान राजा की खूब सेवा की, हर प्रकार से उसकी खातिरदारी की, और मेहमान नवाजी के बाद जब दूसरे राजा चलने लगे तो मेजबान राजा ने उपहार के रूप में राजा को दो तोते के बच्चे दिए और राजा खुशी खुशी अपने राज्य को लौट आए। राजा ने उन दोनों तोतों को दरबारी को सौंपते हुए कहा कि इन दोनों तोतों को महल के पास वाले बगीचे में छोड़ दिया जाए और वहां इनके लिए एक पिंजरा रखा जाए। जब इनका दिल करें पिंजरे में आ जाएं और जब दिल करें पिंजरे से बाहर आ जाएं। और राजा ने उन दोनों तोते के बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति भी कर दी। और जब 18-20 दिन हो गए तो राजा ने दरबारी के हाथों उस व्यक्ति को बुलाया और दोनों तोते के बच्चों की प्रगति के बारे में पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, आपका एक तोता तो अच्छी तरह से उड़ता है, वह तो पूरे महल का चक्कर लगा लेता है, परंतु मुझे समझ नहीं आता, आपका एक तोता बिल्कुल भी नहीं उड़ता। मैंने हर प्रकार के प्रयत्न किए परंतु वह किसी भी तरकीब से नहीं उड़ता है। मैं तो हार गया और इसी डर के मारे मैं आपके पास नहीं आ पा रहा था। राजा ने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाकर इसका कारण पूछा, परंतु मंत्री भी ठीक ठीक कुछ बता पाने में समर्थ नहीं हुए। राजा ने अपने ही विचार से सैनिकों को आदेश दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो तोतों के काफी करीब रहता हो, तोतों की बातों को जानता हो। सैनिक एक किसान को लेकर आए और किसान को दोनों तोतों को उड़ना सिखाने की जिम्मेदारी ली गई। एक तोता तो पहले से ही उड़ता था, किसान का मुख्य काम दूसरे तोते को उड़ना सिखाना था। किसान को अपने काम पर लगे हुए दो ही दिन हुए थे कि दरबारी ने खुशी के साथ राजा को सूचना दी कि राजन, बड़ी खुशी की बात है कि आपके दूसरे तोते ने भी उड़ना शुरू कर दिया और दूसरा तोता तो पहले तोते से भी ज्यादा देर तक उड़ता है और ज्यादा ऊंचाई तक उड़ता है। राजा बड़ा खुश हुआ और राजा ने किसान को बुलाकर उससे कहा, क्यों भाई, तुमने ऐसा क्या किया कि जो तोता बिल्कुल भी नहीं उड़ता था वह पहले तोते से भी ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा देर तक उड़ने लगा। किसान ने कहा कि हे राजन, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उस डाल को ही काट दिया जिस पर तोता बैठा रहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जब हम ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां हमें बहुत आराम लगता है, तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं होते। और जितनी भी बड़ी बड़ी सफलताएं हैं संघर्षों से और परिश्रम करने के बाद ही मिलती है। तो इसलिए दोस्तों, अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर परिश्रम करें और संघर्ष करें और हर सफलता पर आपका अधिकार है। कोई भी ऊंची उपलब्धि मनुष्य के बूते से बाहर नहीं है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, और यदि कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करना न भूलें और इस कहानी को अधिकाधिक शेयर करें। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना कोविड के सभी नियमों का पालन करें। फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।